Hello friends, welcome to new student lecture video from Subhra's Biology, and today we are going to read the new topic, that is the section cutting or the microtomy. तो ये माइक्रोटॉमी क्या है, सेक्शन कटिंग क्या है, हम इसको क्यों करते हैं. अगर आपको ये वीडियो देखना है देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू हिट दैट लाइक बटन. ठीक है, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन कटिंग क्या होता है. बट सेक्शन कटिंग से आने से पहले थोड़ा समराइज कर देते हैं कि लास्ट वीडियो में हम क्या देखे थे. तो दिस इज़ अ क्विक रिव्यू ऑफ द लास्ट फोर लेक्चर्स. ठीक है, फर्स्ट फॉर ऑब्जर्विंग अबनॉर्मल टिश्यू सेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी वी गो फॉर बायोप्सी. बायोप्सी के थ्रू हम टिश्यू कलेक्ट करते हैं टू ऑब्जर्व द अबनॉर्मल टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी. देन वी एड फिक्सेटिव्स. ठीक है, तो सो फिक्सेटिव्स आर एडेड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द टिश्यू. जितना बड़ा सा साइज होगा टिश्यू का उसी हिसाब से हम लेंगे कंटेनर एज वेल एज उसी हिसाब से हम ऐड करेंगे फिक्सेटिव. देन वी डू द प्रोसेसिंग स्टेप. सो प्रोसेसिंग स्टेप में हम क्या किए, थ्री स्टेप्स आर देयर. डिहाइड्रेशन किए बाय यूजिंग अल्कोहल, देन किए क्लियरिंग. क्लियरिंग में हम ज़ाइलिन या फिर क्लोरोफॉर्म यूज़ किए टू क्लियर दैट अल्कोहल. देन वी इम्प्रिग्नेट द टिश्यू बाय यूजिंग मेल्टेड पैराफिन वैक्स. ठीक है, तो मेल्टेड पैराफिन वैक्स में हम एम्बेडिंग किए, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एम्बेडिंग ऑफ द टिश्यू सेक्शन. एंड आफ्टर दैट लास्ट सेक्शन में हमने क्या देखा कि हम किए एम्बेडिंग थ्रू पैराफिन वैक्स एंड दैट इज द एक्सटर्नल एम्बेडिंग. सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लॉक. ब्लॉक को हम कैसे प्रिपेयर किए, सो ब्लॉक को हम यूज़ किए यूजिंग ए मोल्ड. वी एडेड टिश्यू एज वेल एज द पैराफिन मेल्टेड पैराफिन वैक्स टू द मोल्ड सो दैट द टिश्यू सेक्शन टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर और द शेप ऑफ द मोल्ड. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द ब्लॉक. ठीक है, तो हमने ब्लॉक प्रिपेयर कर लिया, तो वो ब्लॉक क्या होगा ना, सो टिश्यू को एक सपोर्टिंग मीडिया मिल गया. ठीक है, पैराफिन वैक्स, तो सो दैट वी कैन इजीली कट इट थ्रू द माइक्रोटॉम. तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोटॉमी और द सेक्शन कटिंग. सो माइक्रोटॉम में हम कैसे जो टिश्यूज को सेक्शन कट करेंगे. ठीक है, कट करके वी विल प्रिपेयर थीन स्लाइसेस ऑफ द टिश्यू स्पेसिमेन सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई और एग्जामिन अंडर ए माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टिश्यूज को क्या करना पड़ेगा ना, थीन स्लाइसेस ऑफ द स्पेसिमेन. तो आगे हम देखेंगे कि वो कैसा होता है थीन स्लाइसेस ऑफ स्पेसिमेन. ठीक है, नाउ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोटॉम इज द रोटरी माइक्रोटॉम विच अलाउज द परफेक्ट सेक्शनिंग ऑफ द टिश्यू सेक्शंस सो दैट इजीली वी कैन फाइंड आउट द थीन स्लाइसेस ऑफ द टिश्यू. ठीक है, तो इसीलिए हम रोटरी माइक्रोटॉम यूज़ करते हैं. और फिर हम सेक्शन कट करने का जो थिकनेस है, हम मोस्ट कॉमन 4 to 6 माइक्रोन लेते हैं थिकनेस ऑफ द टिश्यू. ठीक है, सो दिस इज द माइक्रोटॉमी. सो माइक्रोटॉमी इज द टेक्निक इन विच वेयर वी गो फॉर थीन स्लाइसेस ऑफ द टिश्यू स्पेसिमेन. लेट्स सी कि ये जो माइक्रोटॉमी या फिर सेक्शन कट करने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, हमें क्या क्या नेसेसरी थिंग हमारे पास रखना चाहिए फॉर सेक्शन कटिंग. फर्स्ट ए माइक्रोटॉम तो चाहिए. ठीक है, सेकेंड इज फोर्सेप्स चाहिए. थर्ड क्लीन क्लॉथ चाहिए. फोर्थ आइस क्यूब्स चाहिए. ठीक है, फिफ्थ जो ब्लॉक हम कट करेंगे वो ब्लॉक भी चाहिए ना, बिकॉज दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, नहीं तो हम सेक्शन कट किसको करेंगे. ठीक है, तो फोर्सेप भी चाहिए. तो और फिर एक वाटर बाथ चाहिए. ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी नीड फॉर सेक्शन कटिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन कटिंग क्या होता है या फिर माइक्रोटॉमी क्या होता है. तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है हमने लिया है, तो इसको हम थोड़ा आइस क्यूब के ऊपर थोड़ा रख लेते हैं ताकि ये हार्ड हो जाए. ठीक है, हार्ड अगर हो जाएगा तो जल्दी इजीली कट हो सकता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, आइस क्यूब्स जो लिए हैं उसके ऊपर हम टिश्यू सेक्शन को या फिर टिश्यू ब्लॉक को रख लेंगे. ठीक है, तो कुछ टाइम बाद हम रोटरी माइक्रोटॉम का यूज करके हम सेक्शन कट करेंगे. ठीक है, तो फिर हम आइस क्यूब के ऊपर रख दिए हमारा टिश्यू ब्लॉक. नेक्स्ट विथ ए क्लीन क्लॉथ. ठीक है, क्लीन क्लॉथ वी विल वाइप आउट द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द टिश्यू ब्लॉक. नेक्स्ट वी विल गो फॉर सेक्शन कटिंग. तो सेक्शन कटिंग ये जो होता है ये टू टाइप्स मतलब फर्स्ट इज़ द ट्रिमिंग, नेक्स्ट इज़ द फाइनल कटिंग. तो ट्रिमिंग क्या होता है, सो जो ट्रिमिंग है, ट्रिमिंग में हम क्या करेंगे ना, द एक्स्ट्रा वैक्स विच इज़ प्रेजेंट अबव द जस्ट द टिश्यू बिकॉज द पैराफिन ब्लॉक एज वी हैव टेकन दैट द टिश्यू सेक्शन इज प्रेजेंट इन द बॉटम वर्ड्स डाउनवर्ड पोजिशन में है टिश्यूज. तो टिश्यू को हम कट करने से पहले उसके आगे जो वैक्स है हम उसको थोड़ा ट्रिम कर देते हैं. ठीक है, बाय यूजिंग ए ब्लंट नाइफ.
ब्लॉन्ट नाइफ हम क्लैम्प होल्डर में रख लेंगे माइक्रोटॉम में, देन बाय यूजिंग दैट ब्लॉन्ट नाइफ हम जो एक्स्ट्रा वैक्स है आफ्टर दैट टिश्यू विल कट दैट, देन विल गो फॉर फाइनल कटिंग। तो फाइनल कटिंग में हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग ए शार्प नाइफ, ध्यान रखना वी आर यूजिंग ब्लॉन्ट नाइफ फॉर द ट्रिमिंग एंड वी आर यूजिंग ए शार्प नाइफ फॉर टिश्यू कटिंग, ठीक है। तो हमें बहुत सारा चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो टिश्यू को हम कट करने से पहले हम उसको ट्रिम करेंगे ताकि वो जो एक्स्ट्रा वैक्स है हम उसको निकाल दिए, नेक्स्ट वी विल गो फॉर फाइनल कटिंग। तो फाइनल कटिंग में हम क्या करेंगे कि वो जो टिश्यू सेक्शन है हम यूजिंग ए शार्प नाइफ, ठीक है, हम उसको एक रिबन सेक्शन बनाएंगे। तो वो केयरफुली हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एक रोटरी माइक्रोटॉम में जैसे हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ किए एंड वी विल गो फॉर 10-12 इंचेस थीन सेक्शंस और स्लाइसेस ऑफ द स्पेसिमेन। तो क्या हो गया ना, तो बीच बीच में कट हो सकता है, देन केयरफुली इसको हैंडल करना है ताकि वो एक रिबन शेप में आए, ठीक है। टिश्यू कट करने से पहले आप लोगों को और एक चीज़ भी ध्यान में रखना है, बिकॉज हमारे तीन प्रकार के टिश्यूज आते हैं कॉमनली। फर्स्ट हार्ड टिश्यू आता है या फिर बोनी टिश्यू जैसे हम बोलते हैं, नेक्स्ट सॉफ्ट टिश्यू आता है, और फिर नेक्स्ट आता है हमारा फैटी टिश्यूज। तो ये जो टिश्यूज है, टिश्यूज को देख के ही हम सेक्शन कट करना चाहिए ताकि हम अच्छे से सेक्शन कट कर सकें। तो ये जो बोनी टिश्यू या फिर हार्ड टिश्यू होता है, इसको हम डायरेक्टली जैसे कि हम रोटरी माइक्रोटॉम यूज करके जैसे कि हम इवन स्ट्रोक दे दे के बनाते हैं सेक्शन, हम उसे ऐसे टाइप में नहीं बनाना है, ठीक है। तो जो हार्ड टिश्यू या फिर बोनी टिश्यू होता है, हम उसको डायरेक्टली एक स्ट्रोक देंगे या फिर डायरेक्टली मोशन में एक टाइम में क्या करेंगे ना, डायरेक्ट एक स्ट्रोक देके उसको थीन स्लाइसेस बनाएंगे, या फिर हम उसको सॉफ्ट भी बना सकते हैं। कैसे कि आफ्टर ट्रिमिंग 1% एसिड अल्कोहल हम उसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेक्शन कट करेंगे तो इजीली हम इवनली स्ट्रोक्स पा सकते हैं, इवनली हम पा सकते हैं थीन स्लाइसेस ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है। तो ये जो हो गया बोनी टिश्यू या फिर हार्ड टिश्यूज के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि हमारा नर्वस टिश्यूज, लिम्फ नोड्स, तो ये सब में हम क्या करेंगे ना, इवनली स्ट्रोक दे के इवनली मोशन में हम क्या करेंगे, दिस इज द नॉर्मल टिश्यूज, हम उसको नॉर्मल जैसे ही हम माइक्रोटॉम यूज करते हैं उसे ही हम सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। और ये आता है फैटी टिश्यूज, ठीक है। फैटी टिश्यूज क्या होता है ना, वो ड्राई नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, वो इवन स्ट्रोक पे हम उसको थीन स्लाइसेस बनाएंगे, बट फिर भी एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप वहाँ पे 1% एसिड अल्कोहल ऐड करते हैं देन उसको 1 घंटा या फिर 2 घंटा छोड़ दीजिए ताकि वो ड्राई हो जाए, क्योंकि फैट टिश्यू होता है वो गीला होता है थोड़ा, तो उसको हम अगर ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं देन इट विल बिकम ड्राई एंड आफ्टर दैट वी कैन ईजिली कट दैट फैटी टिश्यू, ठीक है। ये जो तीन प्रकार के टिश्यूज आते हैं हम उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन से टाइप के टिश्यू है तो उसको हम किसी टाइप से कट करेंगे, ठीक है। सेक्शन कटिंग का ये हो गया, कैसे करना है क्या करना, थोड़ा प्रोसीजर के बारे में डिटेल हम चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है। आफ्टर दैट ट्रिमिंग, जब व्हेन द क्लैंप होल्डर और व्हेन द नाइफ टचेस द टिश्यू सेक्शन ऑफ द टिश्यू ब्लॉक, देन बट वी गो फॉर फाइनल चेकिंग। तो फाइनल चेकिंग में हम क्या करेंगे ना, केयरफुली हमको देखना है कि रिबन सेक्स जैसे फॉर्म हो, इसीलिए हम जैसे कि एक स्ट्रोक देते हैं वी विल सी दैट द थीन स्लाइसेस ऑफ द टिश्यू आर फॉर्मिंग इन ए रिबन शेप। तो केयरफुली फिर से नेक्स्ट स्ट्रोक देना है ताकि वो कट ना हो जाए, ठीक है, ताकि हमें 10-12 इंचेस एक रिबन मिल जाए। तो इवन स्ट्रोकली हमें बनाना है रिबन सेक्शन ऑफ 10-12 इंचेस, ठीक है। उसको क्या करना है ना, डायरेक्टली बाय यूजिंग ए ब्रश और बाय यूजिंग ए मास्टन टिप ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, आपको क्या करना है कि वो जो रिबन सेक्शन को ला के वाटर बाथ में रख लेना है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर आप लोग जो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या फिर ऊपर रख सकते हो, ठीक है। तो उसका हम वाटर बाथ में रख लिए, फिर बाय यूजिंग ए फोर्सेप वी हैव टू कट दैट टिश्यू सेक्शन, क्योंकि हम लोग एक रिबन लिए 10-12 इंचेस में, तो उसको हम कट करके जितना हमें स्लाइड के अंदर चाहिए तो उसको हम कट कर लेंगे बाय यूजिंग ए फोर्सेप, ठीक है। देन क्या करना है ना, देन आप लोगों को पहले मैं ये बता दूं कि स्लाइड जो है, स्लाइड को कैसे प्रिपेयर करके रखेंगे आप, तो आपको एक लेना है क्लीन ग्रीज फ्री माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, देन आपको 1 ड्रॉप ऑफ एग एल्ब्यूमिन उसमें ऐड करना है, क्योंकि एग एल्ब्यूमिन इज ए एडहेसिव, सो इट अडहर्स टू द टिश्यू, सो दैट अगर हम आगे जो स्टेनिंग प्रोसीजर करेंगे तो वास ना हो जाए, ठीक है, टिश्यू सेक्शन, इसीलिए वी आर यूजिंग दिस एडहेसिव, दिस इज कॉल्ड एज द एग एल्ब्यूमिन। सो 1 ड्रॉप ऑफ एग एल्ब्यूमिन इज स्मीयर्ड इन द स्लाइड, तो इसको हम और बाय यूजिंग ए डायमंड पेंसिल वी हैव टू राइट द HP नंबर ऑफ द टिश्यू सेक्शन इन द स्लाइड। स्लाइड के ऊपर पहले हम क्या किए, 1 ड्रॉप ऑफ एग एल्ब्यूमिन को स्मीयर किए, देन
बाय यूजिंग ए डायमंड पेंसिल हम उसका एचपी नंबर जो जितना था, क्योंकि कौन सा टिश्यू ब्लॉक किसका है उसको भी पता चलना चाहिए ना, ठीक है, तो वो नंबर जो है उसको हम स्लाइड पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो रिबन सेक्शन वाटर बाथ में है हम स्लाइड से उसे लिख ली, वो जो थिन स्लाइसेस ऑफ द टिश्यू स्पेसिमेन हम वाटर बाथ से स्लाइड से ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा, जो स्लाइड पे आके पहुँच गया क्या द टिश्यू सेक्शन और द थिन स्लाइसेस। उसके बाद जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बिल्कुल ही आता है, ठीक है, इस बार एग्ज़ाम में भी आने वाला है, ठीक है, तो नोट कर लेना कि सेक्शन टू वाटर, सो सेक्शन टू वाटर क्या होता है। तो ये जो सेक्शन टू वाटर, जैसे कि मैं बताई कि वाटर बाथ में हमने जो स्लाइड को लेके वो जो रिबन सेप्ट लिया, तो कॉमनली ऐसा ही होता है, बट अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, देखो पहले हम जो बायोप्सी को लाए उसको हम प्रोसेसिंग में क्या किए, डिहाइड्रेशन किए, क्लियरिंग किए, इम्प्रिग्नेशन किए, इम्प्रिग्नेशन में वी एडेड पैराफिन वैक्स फॉर द इंटरनल एम्बेडिंग। तो अभी टिश्यू सेक्शन में क्या है, ऑब्वियसली पैराफिन है, पैराफिन मेल्टेड पैराफिन जो हम ऐड किए थे पैराफिन अब है, बट आगे हम जो थिन स्लाइसेस रिबन सेक्शन जो बना के हम स्लाइड पे लाए हैं उसको हम स्टेनिंग करेंगे, उसके बाद हम माउंटिंग करेंगे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द टिश्यू। तो इसके लिए जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग में हम एक्वियस सॉल्यूशन यूज करेंगे, तो ये जो एक्वियस सॉल्यूशन में वाटर तो होगा ही ऑब्वियसली, तो हम वाटर जो यूज करेंगे सो दैट इज इमिसिबल विद द पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो अभी पैराफिन वैक्स है अभी टिश्यू सेक्शन के अंदर में, तो स्टेनिंग के लिए हमें एक्वियस सॉल्यूशन यूज करना ही पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना चाहिए ताकि स्टेनिंग हम अच्छे से कर सकें, स्टेनिंग के लिए वाटर शुड बी मिसेबल टू दैट पैराफिन वैक्स, बट वो तो नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, वो जो पैराफिन है उसको रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द टिश्यू। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी पैराफिनाइजेशन। तो डी पैराफिनाइजेशन में हम क्या करेंगे ना, पैराफिन को रिमूव करेंगे। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम स्लाइड को लेके आए, उसके ऊपर रिबन सेक्शन है, हम उसको थोड़ा ड्राई करके केयरफुली चेक दैट द टिश्यू सेक्शन इज कम्प्लीटली ड्राई बिफोर डी पैराफिनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि वाटर हमारे पैराफिन के साथ इमिसिबल है, बिफोर दैट यू हैव टू ड्राई दैट। तो हम वाटर बाथ, हॉट वाटर बाथ जैसे लेके आए हम जो स्लाइड को, उसको हम ओवन में रख के रूम टेम्परेचर में ला देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, वी विल ऐड ज़ाइलिन टू क्लियर दैट टिश्यू, क्योंकि हमको पता है ज़ाइलिन इज मिसेबल विथ पैराफिन वैक्स एज वेल एज ऑल्सो विद द अल्कोहल। तो हम अल्कोहल क्यों यूज करेंगे, तो ज़ाइलिन पहले यूज करेंगे टू क्लियर दैट पैराफिन, एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड अल्कोहल इन द डिक्रीजिंग अमाउंट। सो डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज added to clear that xylene, because xylene we have used xylene for deparaffinizing the tissue, paraffin ko hum remove karne ke liye hum xylene use kiye to clear, then after that in the decreasing amount of alcohol hum use kiye alcohol to clear that xylene, theek hai। to aap log agar yahan pe thoda sa mind lagayenge to dekhenge ki hum biopsy ko lane ke baad hum jo processing kiye the हम क्या किए थे, डिहाइड्रेशन किए थे, क्लियरिंग किए थे, देन आफ्टर दैट इम्प्रिग्नेशन किए थे, उसी का बिल्कुल रिवर्सन हम डीपैराफिनाइजेशन जैसे करेंगे, ठीक है। उसको पहले क्या करेंगे ना, ज़ाइलिन से क्लियर करेंगे, देन वी विल गो फॉर रिहाइड्रेशन बाय यूजिंग अल्कोहल, रिहाइड्रेशन, ठीक है। वहाँ पे था डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, एंड दिस इज़ द रिहाइड्रेशन, हम अल्कोहल यूज़ करके ज़ाइलिन को क्लियर किए ताकि वहाँ पे जितना भी पैराफिन है वो सब कुछ क्लियर हो जाए। एंड अब हम आगे जो स्टेनिंग करने वाले हैं, स्टेनिंग में हम एक्वियस सॉल्यूशन वाटर यूज करने वाले हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से स्टेन हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम अच्छे से माउंट करके उसको ऑब्जर्व कर सके, सेल ऑर्गेनेल्स, टिश्यूज, एंजाइम्स, ठीक है, उसको हम अच्छे से देख सके। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस रिवर्सन ऑफ दैट टिश्यू प्रोसेसिंग, ठीक है। सो दिस इज़ द सेक्शन टू वाटर। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप अपने कॉपीज पे भी लिख सकते हैं ये जो लिखा है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन टू वाटर। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये देख लिया कि सेक्शन कटिंग क्या होता है, माइक्रोटॉमी क्या होता है। सो माइक्रोटॉमी इज़ अ टेक्निक वेयर वी आर गेटिंग द थिन स्लाइसेस ऑफ द टिश्यू फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टिश्यू सेक्शंस इन द माइक्रोस्कोप। तो यही होता है सेक्शन कटिंग और माइक्रोटॉमी प्रोसेस। तो इसमें हमने क्या किया ना, स्लाइड पे आके अभी रख दिए वो जो थिन स्लाइसेस ऑफ द टिश्यू को, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे ना, उसको स्टेन करेंगे। स्टेनिंग हम कॉमनली एची स्टेन करते हैं, हीमोटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेनिंग। तो इस स्टेनिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि स्टेनिंग क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या हम ऐड करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है,
तो उसके इन डिटेल हम बात करेंगे, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि स्टेनिंग क्या होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट लगता है कि सेक्शन कटिंग क्या है, कैसे हम करते हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको भी देख सकते हैं। हमारा अगर अब जो चार लेक्चर हमारा हो चुका है लास्ट वीडियोज़ में, अगर आपको ये देखना है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे रही हूँ, ठीक है, उसको भी जाके देख लेना, ताकि ये जो वीडियो है ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि जो आगे जो मैं स्टेनिंग प्रोसीजर या फिर आगे मैं जो बनाने वाली हूँ तो आपके पास जाके जल्दी पहुँच जाए।